hello today we will study the topic cytokinin plant growth regulating substance or plant growth hormones cytokinin are the chemicals which regardless of their activities promote cytokinesis in the cell

िटी टू प्रमोट द साइटोकाइन एंड द फर्स्ट नैचुर प्लांट्स में फर्स्ट टाइम उसको नेचुरली अकरिंग साइटोकाइन आइसोलेट किया था वो मिलर ने ही किया था इन कॉर्न प्लांट दैट वॉज नेम्ड एज जिएटीन तो जो मोस्ट कॉमन साइटोकाइन प्रेजेंट है प्लांट्स में दैट इज जियटीन साइटोकाइन आर द एड इन इन डेरिवेटिव साइटोकाइनिन एडिनिन एडियोनिन और ये पढ़े हैं ना जब हम न्यूक्लियोटाइड्स पढ़ते हैं उसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं तो साइटोकाइनिन आर द एडिनिन डेरिवेटिव्स ऑफ द फिनाइल यूरिया कंपाउंड्स साइटोकाइन आर फाउंड मोस्टली इन हाइयर कंसेंट्रेशन इन द मेरिस्टेमेटिक रीजन जो डिवाइडिंग रीजन होते हैं क्योंकि इसका मेन फंक्शन क्या है ये सेल को डिवाइड करता है तो सो दीज आर फाउंड हायर कंसनट्रेशन इन द मेरिस्टमेटिक रीजन और द ग्रोइंग टिश्यूज they are synthesized in the roots and translocated via the xylem towards the shoots this is the structure of the cytokinin this is the structure of kinetine, the first isolated cytokinin it is the basic uh, ring adenine from which these cytokinins are derived this is g18 first naturally occurring cytokinin from the plants and most abundant present in the द केमिकल नेम ऑफ द काफ्यूराइल अमीनोप्यूरिन क्योंकि जो इसका सिक्स कार्बन होता है वहां परिन प्रेजेंट होती है फॉरफ्यूराइल चेन प्रेजेंट होती है एंड सिक्स अमीनो प्यूरिन द प्राइमरी साइट ऑफ सिंथसिसमेटिक रीजन ऑफ द रूट्स

बाहर से एक्जोजिनियसली अप्लाई करेंगे साइटोकाइनिन आल्सो प्रोड्यूस इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो जो एम्ब्रियो डेवलप होते हैं क्योंकि उसमें भी क्या है उस टाइम उसका साइज इंक्रीज होता है सेल डिवीज़न होता है तो दिस इज आल्सो प्रोड्यूस इन द डेवलपिंग एम्ब्रियोज दिस इज ट्रांसपोर्ट वाय दायलम और जयलम से क्या है मिनरल न्यूट्रिय ट्रांसपोरेशन पुल थ्योरी जो आपने पढ़ी होगी ट्रांसलोकेशन के ड्यूरिंग स्ट्रीम तो होती है उसके साथ साथ इसका ट्रांसपोर्ट होता है और वो किसके फॉर्म में होगा मेन जो ट्रांसपोर्ट होता है वो इसका कंजुगेटेड फॉर्म में होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ जीएटिन राइबोसाइड्स एंड आफ्टर द ट्रांसपोर्ट दिन टू द फ्री बेस और द ग्लूकोसाइड इन द लिव जहाँ पे फिर ये एक्टिव फॉर्म में होते हैं तो वहां फ्री फॉर्म में होते हैं सम आल्सो इन द फ्लोएम बट अमाउंट ऑफ ऑफ दोज इज वेरी स्मॉल मैकेनिज्म एक्शन कि जो है वो कैसे किस टाइप से अपना फंक्शन करेंगे किस टाइप से अपना एक्शन करेंगे तो ये जो रिसेप्टर uh, प्रेजेंट होते हैं मेमब्रेन पे साइटोकन उस पे बाइंड करेंगे उसके बाद वहां पे जो रिसेप्टर uh, है उसको एक्टिवेट करेंगे बाय विद द हेल्प ऑफ ए उसके बाद ए जो सिग्नल uh, है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं उसका फोस्फोराइजेशन करते हैं और उसको एक्टिवेट करते हैं और ये जो ए एच होते हैं ये डिफरेंट जो ए आर हैं उनको प्रमोट करते हैं और ये जो उसके बाद जो है डिफरेंट जो ए आर आर ट्रांसक्रिप्शन है एम आर एन ए बनते हैं उनसे डिफरेंट जो प्रोटीन्स है वो बनते हैं जैसे फाइटोक्रोम बी है या अदर इफेक्टर्स है जिनके थ्रू फिर साइटोकाइनिन रिस्पोंड करता है जो इसके वेरियस रिस्पोंसेस होते हैं फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ द साइट की जो प्लांट की फिजियोलॉजी में है, उसमें क्या रोल है इसका साइटोकाइन क्योंकि प्लांटोकाइन तो का क्या रोल है कंट्रोल द मोर्फोजेसिस प्लांट की जो मोर्फोजेलोलॉजी है उसको कंट्रोल करता है रेगुलेट द सेल साइकिल और सेल डिविजन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है साइटोमिन सेलकाइन डिविजन की साइटोकाइनिन ये सेल साइकिल और सेल डिविजन को भी कंट्रोल करता है ऑल्सो प्रमोट द बर्ड डेवलपमेंट डिले देंस प्रमोशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट जो स्पेस का बायो एस्य भी बेस्ड है साइटोकाइनिन का बायो एस्य जो है प्रमोट सेल एक्सपेंशन फर्स्ट फिजियोलॉजिकल रोल इज कंट्रोल मोर्फोजेनेसिस कि जो कल्चरिंग मीडियम होता है प्लांट कल्चर मीडियम होता है उसमें साइटोकाइनिन रिक्वायर्ड होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ कैलस की जो कैलस की ग्रोथ होगी वो साइटोकाइनिन के बिना नहीं होगी तो कैलस की ग्रोथ के बाद कि उसमें से रूट्स बन रहे हैं तो कैलस क्या होगा उसमें जब हमने कैलस डाला उसमें ऑक्सीजन डाले और कोई साइटोकाइनिन नहीं डालेंगे तो कैलस की ग्रोथ लगभग नेगलिजिबल होगी अगर कैलस प्लस ऑक्सीजन प्लस साइटोकाइनिन डालते हैं तो जो कैलस है दैट ग्रो वेल एंड अनडिफ्रेंशिएटेड इसको जो डिफ्रेंशिएशन है उसमें कौन हेल्प करेगा जो साइटोकाइनिन और ऑक्सीजन का रेशियो है दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर द फेट ऑफ कैलस कि उसमें से रूट्स बनेंगे या शूट्स बनेंगे वो किस पे डिपेंड करेगा कि उसमें साइटोकाइनिन का रेशियो हाई है या फिर ऑक्सीजिन का रेशियो हाई है अगर कैलस के अंदर हम लो साइटोकाइनिन प्लस ऑक्जीजिन मीन्स ऐसा जिसमें साइटोकाइनिन ज्यादा होगा और ऑक्सीजन कम होगा तो ऐसा लो सॉरी जिसमें साइटोकाइनिन कम होगा और ऑक्जिन ज्यादा होगा तो लो साइटोकाइनिन टू टोक्सिन रेशो होगा तो उस टाइम पे रूट्स की फॉर्मेशन होगी मीन्स जब ऑक्सीजिन ज्यादा होगा तो वो रूट्स को प्रमोट करेगा एंड हाई साइटोकाइनिन टू टोक्सिन जब साइटोकाइनिन हाई होगा तो उस टाइम वो शूट्स या जो मैरिज टाइम है उसको प्रमोट करेगा तो दिस डिपेंड दिस डिफ्रेंशिएशन और मोर्फोजेनिस ऑफ द कैलस डिपेंड्स अपॉन द रेशो ऑफ द साइटोकाइनिन एंड द ऑक्जिन जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल से शो किया हुआ है इसमें है जो आई आई ए है जो कि ऑक्सीज है दैट इज नन कोई प्रेजेंट नहीं है काइनेटिन है जीरो पॉइंट टू है तो इनिशियल जो एक्स प्लांट है अगर मीडियम है उसके अंदर क्या है ग्रोथ नहीं होगी उसके बाद जो आई आई ए है दैट इज कंसेंट्रेशन इज़ हाई टू एंड ज़ीरो पॉइंट टू की इसके अंदर भी जो कैलस की ग्रोथ है वो बहुत ही स्लो हो रही है उसके बाद जो आई जो ऑक्सीजन है उसकी कंसेंट्रेशन हाई है बट की जो साइटोकाइनिन उसकी कंसेंट्रेशन लो है तो जो साइटोकाइनिन टू तो ऑक्सीजन का रेशियो है वो क्या हो जाएगा लो हो जाएगा तो ऐसे केस में जब साइटोकाइनिन टू तो ऑक्सीजन का रेशियो लो होता है तो क्या है कैलस में रूट्स डेवलप होंगे और जब इसका रेशियो ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे साइटोकाइनिन का ट्रेशन ज्यादा है और ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन कम है तो साइटोकाइनिन तो टू ऑक्सीजन रेशियो ज्यादा हो जाएगा तो उस टाइम पे शूट डेवलप होंगे तो किसी भी कल्चर मीडियम में हमें अगर रूट और शूट दोनों को डेवलप करना है तो हमें इसका एक प्रॉपर रेशियो देना होगा जिससे कि रूट्स भी डेवलप हो और शूट्स भी डेवलप हों से फिजियोलॉजिकल रोल इट रेगुलेट्स द सेल साइकिल और द सेल डिवीजन जो कि नेम है इसका साइटोकाइन ये किसकी वजह से है क्योंकि इसका जो कंट्रोलिंग जो फेज है स्पेशली जो ट्रांजिशन होता है जी टू फेज से माइटोसिस में उसको कंट्रोल करता है दिस इफेक्ट इज मॉडरेट बाय द साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन एंड देयर सब यूनिट का और इसका जो इफेक्ट होता है वो इसको कैसे इफेक्ट करता है क्यों क्योंकि इनको इफेक्ट करेगा जो प्रोटीन काइनेजेस होते हैं साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेजेस और जो साइक्लिन होते हैं इनको इफेक्ट करके इस पूरे प्रोसेस को सेल डिविजन को कंट्रोल करेगा साइटोकाइनिन्स आर नोटेबल फॉर देयर स्टिमुलेटरी इफेक्ट ऑन द सेल डिवीजन। जैसे कि जो टोबैको पिथ कल्चर थे उसमें स्कूगेन एन मिल ने इसको किया था फाउंड दैट इन एडिशन टू ऑक्सिन काइनेटीज इज आल्सो नीडफुल फॉर द ग्रोथ कि जो ग्रोथ के लिए सिर्फ ऑक्जीन ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके अलाउ काइनेटिन की भी जरूरत होगी कल्चर मीडियम में ग्रोथ करने के लिए द ग्रोथ रिस्पॉन्स इज मच मोर प्रोनाउंस बोथ प्रोनाउंसन एंड टूगेदर इन राइट रेशियो तो जो ग्रोथ है ना तो अकेले ऑक्सीजन से होगी ना अकेले से होगी वो कब होगी अच्छे से जब दोनों का एक प्रॉपर रेशियो होगा उनकी जो कंसेंट्रेशन उसका एक प्रॉपर रेशियो होगा तभी उसमें जो कल्चर है वो अच्छे जो कैलस है वो अच्छे से मोर्फोजेनिस होगा अच्छे से उसमें ग्रोथ होगी बड डेवलपमेंट डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ साइटोकाइनिन प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द एक्सलरी बर्ड्स कि जो ऑक्स हैं वो एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करते हैं जबकि जो साइटोकाइन है इसका जो इफेक्ट है वो एंटागोनिस्ट होता है उसके उल्टा होता है वो एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करते हैं मीन्स जो टिप, टर्मिनल रीजन होता है उसकी ग्रो, ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और लेटरल को इनहिबिट करते हैं जबकि साइटोकाइन क्या है जो लेटरल ग्रोथ होगी उसको प्रमोट करते हैं तो एक्जोजिनियसली हम अगर हम उसको अप्लाई करते हैं तो ये लेटरल ग्रोथ को प्रमोट करेगा ऑक्सीजन साइटोकाइनिन एंड स्ट्रिगो इलेक्ट्रॉन्स कंट्रोल द ब्रांचिंग तो ये तीनों ही है ऑक्सीजन साइटोकाइनिन और स्ट्रिगो इलेक्ट्रॉन्स जो कि ब्रांचिंग को कंट्रोल करेंगे डिले दस सेनेसेंस क्या होता है प्रोग्राम डेजिंग होती है कि एक पर्टिकुलर उसमें डिग्रेडेशन होता है जब लीफ मेच्योर हो जाती है तो उसमें क्या होगा पहले आप जब भी फर्स्ट सिम्टम्स देखोगे तो जो येलोइंग ऑफ लीव स्टार्ट हो जाएगी तो वो किसकी वजह से होगी लॉस ऑफ क्लोरोफिल तो आर एन एज है डिफरेंट जो एंजाइम्स है वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे आर एन एज है वो डिएक्टिवेट हो जाएंगे प्रोटीन्स एंड लिपिड्स है उनका लॉस हो जाएगा प्लांट से और जब साइटोकाइन इनकी एप्लीकेशन करते हैं हम इन इंटेक्ट लीफ पे दैट मार्कली रिज्यूज द एक्सीडेंट एंड रेट ऑफ जो क्लोरोफिल एक नॉर्मल लीफ में डिग्रेड हो रहा है और दूसरी जो इंटेक्ट लीफ है अगर हम उसमें साइटोकाइनिन को अप्लाई कर देते हैं तो जिसमें हमने साइटोकाइनिन की एप्लीकेशन दी है उसमें जो क्लोरोफिल का रेट है डिग्रेडेशन का वो कम हो जाएगा प्रोटीन डिग्रेडेशन लीफ ड्रॉप जो है वो काफी कम हो जाएगा तो यही जो डिले ऑफ है बाय द एप्लीकेशन ऑफ साइटोकाइनिन दैट इज ऑल्सो टर्म्स एज रिचमंड लैंग इफेक्ट

सेवन में शो किया कि अगर डिटेस्ट लीव है उसमें भी ये जो डिग्रेडेशन है, है जो से उसको डिले कर सकता है और इसी इफेक्ट को दिस प्रोसेस या दिस इफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज रिचमेंट लैंग इफेक्ट प्रमोशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट साइटोकाइनिन्स आर आल्सो नोन टू ग्रेटली एनहांस द कन्वर्जन ऑफ इटियोप्लास्ट इनटू क्लोरोप्लास्ट

तो इन केसेस में क्या है क्लोरोप्लास्ट डेवलप करेंगे एक्सटेंसिव ग्राना और क्लोरोफिल्स क्लोरोफिल की सिंथेसिस होगी और रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स मच ग्रेटर इन कंपैरिजन टू दो दो दोज ऑफ इटुलेटेड सिड्लिंग्स व्हिच इज इल्यूमिनेटेड विदाउट साइटोकाइनिन ट्रीटमेंट साइटोकाइनिन प्रमोट द लाइट इंड्यूस्ड फॉर्मेशन ऑफ एंड कन्वर्जन ऑफ दूप्लास्ट टू द्लोरो दिखाया हुआ है एक टोबेको प्लांट में साइटोइन ऑल्सो स्टमेंशन ऑफ दिज्म की जो सेल वोल है उसकी प्लास्टिसिटी इंक्रीज हो जाती है दैट इज नॉट एसोसिएटेड विद एसिडिफिकेशन जो कि ऑक्सीजन के केस में होता है ना सेल एक्सपेंशन वहां क्या होता है एसिडिटी होती है और उसकी वजह से इंक्रीज होता है जबकि यहाँ पे प्लास्टिसिटी जो है सेल वॉल की वो इंक्रीज होती है और जिसकी वजह से एसोसिएट होता है जो कि सेल एलोंगेशन के लिए तो बिसाइड जो काइनेटिन है वो भी प्रमोट करते हैं सेल एलोंगेशन को तो सच प्रमोशन आफ्टर काइनेटिन ट्रीटमेंट हैज बीन इन टोबैको कल्चर जो कि यहाँ पे सारे शो किए हुए हैं प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन स्टिमुलेटिंग एक्सपेंशन ये यहाँ डिफरेंट जो उनकी समरी दिखाईलॉजिकलिस कर रहा है।, जैसे है तो यहाँ पे लेट सैनिसेटिव डेवलपमेंट है मैरिजर्म फंक्शन है प्रमोट सेल डिविजन are various nutrient response apical dominance and vascular development and

जबकि मेंटेन स्टेम सेल द रूट एपिकल मेरिस्टेम साइटोकाइनिन प्रोमोट ब्रांचिंग इन द शूट और ये क्या करता है ब्रांचिंग को इनहिबिट करता है ये उसकी एपिकल डेवलपमेंट करता है इनहिबिट ब्रांचिंग इन द शूट प्रोमोट ब्रांचिंग इनिबिट ब्रांचिंग इन द रूट प्रोमोट ब्रांचिंग इन द रूट साइटोकाइनिन जो है वो ब्रांचिंग को रूट्स में इनहिबिट करते हैं और ऑक्सिन्स क्या है उसको प्रमोट करते हैं Thanks.